Hello students, today we going on unit the S block elements, lecture number 5. Here we studied the formation of NaOH from Kastner Kellner cell. Industrial process है, caustic soda के निर्माण की व्यापारिक विधि है और इससे पहले हम लोगों ने Nelson cell द्वारा caustic soda के निर्माण process को पढ़ा, cell का structure, मेथड एंड केमिकल रिएक्शन. आज कास्टनर केलनर सेल के माध्यम से कास्टिक सोडा फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझते हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस जानते हैं और देन कास्टनर केलनर सेल का फिगर लेते हुए उसके मैकेनिज्म और मेथड को समझते हैं. जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि कास्टनर केलनर सेल और नेल्सन सेल दोनों के ही प्रिंसिपल सेम है, मेथड सेम है, तो सिद्धांत समीकरण एक जैसे हैं. सेल में प्रयुक्त होने वाले कैथोड और एनोड प्लेट्स में होने के रिएक्शंस को समझते हैं. रिएक्टेंट आर सिमिलर, ब्राइन सॉल्यूशन का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत वियोजन कराते हैं, देन इलेक्ट्रोलिसिस से यह आयनाइज्ड होगा और अपने आयनों में विभक्त होगा. सोडियम क्लोराइड NaCl ब्रेक डाउन इन देयर आयंस एंड गिव्स आउट Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. एट कैथोड प्लेट H2O इज सबस्ट्रेक्टेड their ions H plus and OH minus and H ion converted hydrogen atom and hydrogen atom conjugate with one another produced hydrogen gas. तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा और यह सेल से बाहर पृथक की जाएगी. चूंकि सेल में मरकरी Hg की लेयर की प्रेजेंस है, इसलिए सोडियम और Hg मिलकर अमलगमेशन प्रोसेस से NaHg सोडियम अमलगम को प्रोड्यूस करेंगे और ये ब्रेक डाउन करेंगे अपने आयंस में और Na और Hg का फॉर्मेशन करेंगे. सोडियम आयन OH- से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करेगा. तो इस तरह कैथोड प्लेट से कास्टिक सोडा प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस सबस्ट्रक्टिव गैस के रूप में बाहर पृथक कर दी जाएगी. एनोड प्लेट पर Cl- माइनस आयंस एटम्स में कन्वर्ट होंगे, Cl एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन इसने टेकल किया था डोनेट करके एटम में कन्वर्ट होगा एंड Cl Cl एटम्स फ्यूज्ड होकर के क्लोरीन की गैसियस स्टेट में इसे एनोड प्लेट से प्रोड्यूस करेंगे और बनी हुई क्लोरीन सेल से बाहर प्राप्त कर ली जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैथोड प्लेट and chlorine gas is extracted from anode plate and final product caustic soda produced on cathode and it is collected from Kastner Kellner cell. तो आइए Kastner Kellner cell का डायग्राम लेते हैं और डायग्राम की हेल्प से इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है और किस तरह केमिकल रिएक्शन सेल के इनिशियली पार्ट में कंप्लीट होकर के कास्टिक सोडा को प्रोड्यूस करते हैं. सो वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ कास्टनर केलनर सेल डायग्राम. सबसे पहले डायग्राम का ही इंट्रोडक्शन हो जाए और इसके बाद इसके मैकेनिज्म की ओर चले. आयताकार आकृति वाला ये मेटेलिक सेल है, धात्विक सेल है और इसके थ्री इंटरनल सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, साइड पार्ट एंड मिड पार्ट.
साइड पार्ट्स में ग्रेफाइट की रॉड्स लगी हैं और ये रॉड पॉजिटिव प्लेट का वर्क करती हैं, जो एनोड प्लेट का रोल प्ले करती है. सो एनोड इज फॉर्म्ड बाय ग्रेफाइट एंड इन मिड सेक्शन स्टील ग्रिड इज अवेलेबल. इट्स फंक्शन इज लाइक एज ए कैथोड. तो किनारे के दोनों भाग एनोड प्लेट और मध्य का भाग कैथोड का रोल प्ले करता है. यहां एनोड भाग में ब्राइन सॉल्यूशन 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, इसको भर लेते हैं. जबकि मिड पार्ट में डाइल्यूट NaOH भरा होता है. इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिड पार्ट में मर्करी की लेयर पारा धातु की परत लगी होती है और ये इस प्रकार लगाते हैं कि तीनों सेगमेंट को टच करें, तीनों भागों को ही संयुग्मित करती हुई पारा धातु की लेयर होती है. सेल के बॉटम प्लेस में इसेंट्रिक व्हील लगाते हैं ताकि लेयर ऑफ मर्करी को एडजस्ट किया जा सके. इस इसेंट्रिक व्हील को एडजस्ट करने से या रोटेट करने से जो एचडी का लेवल है सेल में उसे हम मूव कर सकते हैं. तो पारा के तल को बैलेंस में रखने के लिए इसेंट्रिक व्हील का उपयोग करते हैं. अब इस सेल में भरे हुए ब्राइन सॉल्यूशन NaCl विलयन का इलेक्ट्रोडों की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट ब्रेक डाउन इन देयर आयंस मेक Na+ एंड Cl- अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. NaCl इज ब्रेक डाउन इन देयर आयंस मेक्स Na+ एंड Cl- एट एनोड. क्लोरीन गैस इज सब्स्ट्रैक्टेड बिकॉज Cl आयन कन्वर्टेड इन देयर एटॉमिक फॉर्म एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस. रिएक्शन इज हियर Cl- कन्वर्टेड Cl एटम एंड Cl एटम्स कंजुगेट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस. तो एनोड की प्लेट से प्रोड्यूस हुई क्लोरीन इन दोनों एनोड भागों से बाहर प्राप्त कर ली जाती है. तो यहां पाइप के माध्यम से इस क्लोरीन को सेल से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. देन एट कैथोड प्लेट यहां H2O ब्रेक डाउन होगा अपने आयंस में H+ और OH-, क्योंकि हम लोगों ने यहां सोडियम क्लोराइड लिया है वो जली है ब्राइन सॉल्यूशन के रूप में लिया. H+ आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर के इसे गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के रूप में रिड्यूस करते हैं. तो कैथोड भाग में यानी मिड वाले सेक्शन में बनी हुई हाइड्रोजन गैस इस लगे हुए पाइप के द्वारा सेल से बाहर प्राप्त कर ली जाती है. अब केवल सोडियम आयन का रोल हुआ यहां. यहां HG इस सोडियम आयन को मिडिल पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है. तो विद द हेल्प ऑफ HG लेयर सोडियम इज गोज डाउन इन द मिड पार्ट एंड रिएक्ट विद OH- पार्ट टू फॉर्म Na+ प्लस OH- gives out caustic soda. तो यहां caustic soda का production होता रहता है क्योंकि यहां dilute NaOH भरा था और continue इसका जब production होता जाएगा तो उसकी concentration increase होगी और dilute form से
यह है कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा और इस प्रकार यहां पर वृहद मात्रा में कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस मिड वाले पार्ट में अर्थात कैथोड वाले भाग में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेन प्रोडक्ट के रूप में कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है और यह बना हुआ कास्टिक सोडा इस सेल से बाहर प्राप्त कर लिया जाता है। इन कास्टनर केलनर सेल द एक्सटर्नल आर्मेचर इज मेड बाय मेटल, साइड पार्ट इज मेड फ्रॉम ग्रेफाइट रॉड, दे एक्ट एज ए एनोड प्लेट एंड मिड सेक्शन हैव ए स्टील ग्रिड, इट प्ले एक्स रोल लाइक एज ए कैथोड प्लेट, कैथोड इज नेगेटिव प्लेट एंड एनोड इज पॉजिटिव प्लेट, इन एनोड सेक्शन ब्राइन सोल्यूशन इज फुलफिल्ड, 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन एंड इन मिड सेक्शन ऑफ सेल आर कैथोड प्लेट हैव डाइल्यूट NaOH, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन सोल्यूशन इज ब्रेक डाउन इन देयर आयंस मेक Na प्लस एंड Cl माइनस एंड Cl माइनस आयंस कन्वर्टेड इन देयर एटॉमिक फॉर्म एंड एटम्स फ्यूज्ड विद वन अनदर टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, दिस क्लोरीन गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल देन कैथोड प्लेट, H2O ब्रेक डाउन इन देयर आयंस मेक H प्लस एंड OH माइनस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज विद वन अनदर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, दिस हाइड्रोजन गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैथोड प्लेट, सो कैथोड सबस्ट्रैक्टेड हाइड्रोजन एंड एनोड सबस्ट्रैक्टेड क्लोरीन फ्रॉम बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस Na प्लस आयन रिएक्ट विथ OH माइनस आयन, इन इट Hg लेयर मूव द Na प्लस आयन इन द मिड सेक्शन, देन Na प्लस एंड OH माइनस रिएक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म NaOH, दिस टाइप ऑफ कास्टिक सोडा प्रोड्यूस इन द मिड सेक्शन टू फॉर्म चेंज देयर कंसेंट्रेशन, देन इट इज नोन एज कंसेंट्रेटेड कास्टिक सोडा, सो इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने कास्टिक सोडा फॉर्मेशन के इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा वेयर वी स्टडीड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज और देन यूजेस ऑफ NaOH का स्टडी करेंगे।